दोस्तों आज की कहानी है, माजी जब पंख काटना ही था तो उड़ने के लिए आसमान क्यों दिखलाया। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। पल में लगभग 2 मिनट तक बैल बजाती रही पर किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। वह थक कर वहीं बैठ गई। प्यास से उसका हलक सूख रहा था। जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में उसने रुक कर पानी भी नहीं पिया था। अभी वह सोच ही रही थी कि क्या करे। इतने में भड़ाक से दरवाजा खुला। सामने प्रदीप खड़ा था। उसे देखते ही बोला, आने की जरूरत क्या थी, वही रुक जाती। पति को गुस्से में देख वह बिना कुछ बोले अंदर आ गई। उसने हाथ मुंह धोया और किचन में घुस गई। जल्दी जल्दी खाना बनाया और उसे डाइनिंग टेबल पर रख कर सबको बुलाने चली। सास ससुर दोनों ने खाने से मना कर दिया। दोनों ननद और छोटा देवर सोने का नाटक करने लगे। अंत में वह पति के पास गई और बोली, आप तो चलकर खाना खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है। अपने टाइम के हिसाब से बनाई हो तो जाकर खा लो। भरपेट भूख से बेहाल पल्लवी की आंखें भर आई। उसने एक नज़र मेज पर रखे खाने को देखा और एक गिलास पानी पीकर चुप चाप से सो गई। सुबह आँख खुलते ही जैसे घर में भूसाल आ गया था। पल्लवी ने सास ससुर का ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा था। वह समझ गई थी कि ये भूसाल उसी को लेकर आया है। उसे देखते ही सास बोली, प्रदीप अपनी पत्नी को अच्छे से समझा दो कि बहुत हो गई और अब मनमानी नहीं चलेगा। इस घर में रहना है तो आँख की पानी को बसा कर रखे। पल्लवी ऑफिस जाने के लिए अलमारी से कपड़े निकाल रही थी तभी प्रदीप दनदनाता कमरे में घुसा और एक सांस में बोल गया, पल्लवी तुम्हें ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम आज ही रिजाइन करोगी। क्या कह रहे हैं आप, मजाक तो नहीं कर रहे हैं? मजाक तो तुम मेरा बना रही हो। मौका क्या दे दिया मुझे ही बेवकूफ बनाने लगी। 5 बजे की छुट्टी रात के 10 बजे होने लगी है। ऐसा नहीं है, ऑफिस में मीटिंग था और अब महीने में 2 बार होगा। अच्छा इसलिए तो कह रहा हूँ कि तुम्हारा ड्रामा देखकर ही अम्मा बाबूजी चाहते हैं कि तुम रिजाइन करो। कितनी मेहनत से मुझे नौकरी मिली है और आप लोग इतनी आसानी से इसे छोड़ने के लिए कह रहे हैं। आप एक बार उन्हें समझाए तो सही। देखो पल्लवी, में अम्मा बाबूजी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकता। सही उनका निर्णय सही हो या गलत, ये मेरे उसूलों में नहीं है। बचपन से आज तक मैंने उनके हर फैसले को सिर झुकाकर स्वीकार किया है और मेरा मानना है कि तुम्हें भी मान लेना चाहिए। मैं ये कहाँ कह रही हूँ कि आप उनका विरोध कीजिए, पर उन्हें समझा तो सकते ही हैं। आप कहे तो मैं उनसे विनती करती हूँ। पल्लवी अब तुम मुझे मत सीख दो कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। उनकी इच्छा नहीं है तो तुम्हें रिजाइन करना ही होगा। वह कुछ बोलती इसके पहले ही प्रदीप पैर पटकते हुए ऑफिस के लिए निकल गया। पल्लवी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। प्रदीप ने गुस्से में आकर उसके सामने शर्त रख दिया था, या तो वह नौकरी छोड़े या फिर उसे घर छोड़कर जाना पड़ेगा। हर बार एक ही धमकी घर छोड़ने का। पल्लवी दोराए पर खड़ी थी। वारे पति परमेश्वर कितना आसान था ये कह देना कि घर छोड़कर जाओ। पल्लवी के दिल में पहले से दफन दर्द अनायसी रीस कर उसकी आंखों से गिरने लगा। वह टीस आज भी याद है जब उसके माँ बनने की खुशखबरी सुनकर
प्रदीप आग बबूला हो गया था। उसने उसे झटकते हुए कहा था, तुम्हारा इंटरव्यू होने वाला है और तुम इस बेकार के पसरे में पड़ना चाहती हो। बच्चे कभी भी हो जाएंगे, लेकिन नौकरी जब सौगी तब नहीं होगा। मन महसूस कर उसने ऑपरेशन करवा लिया था। परिवार वाले बाप न ले, इसके लिए उसे कितने पापड़ बेलने पड़े थे। कई बार तो उसे ससुराल वालों ने बॉस तक कह डाला था। सास पर्दी पर उसे सुर देने का जवाब दबाव भी बनाती रहती थी। पल्लवी ने पति और घर के लिए अपनी सारी खुशियों को जला डाला था। बहुत मेहनत के बाद उसे नौकरी मिल गई थी। घर की आर्थिक स्थिति तो अच्छी हो गई, लेकिन पल्लवी सागर भी मां नहीं बन पा रही थी। ये ठीक है कि यहाँ तक पहुँचने में उसके पति ने साथ दिया था, उसका मनोबल बढ़ाया, लेकिन ये भी सच है कि उसे यहाँ तक आने के लिए अपनी सारी खुशियों का तिला जली देना पड़ा है। जब न तब उसके सामने शर्तों का पहाड़ खड़ा कर दिया जाता है। हो क्या गया है प्रदीप को, जब पंख काटना ही था तो उड़ने के लिए आसमान क्यों दिखलाया? कुछ सोच कर पल्लवी एक झटके से आईने के सामने खड़ी हो गई और अपने आप से बोली, मैं पल्लवी हूँ, मुझे त्याग की पूर्ति नहीं बनना। मैं कोई सीता नहीं जिसे जब सहा अपना लिया और जब सहा त्याग कर दिया। इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब मैं अपनी किसी खुशी का त्याग नहीं करूंगी। अगर करना होगा तो तुम्हारा और तुम्हारे अहम का त्याग करूंगी प्रदीप, बस अब नहीं। पल्लवी ने अपना पर्स उठाया और ऑफिस के लिए निकल पड़ी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।